हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्जाम गुरु एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 1 दिसंबर 2017 के करंट अफेयर्स पे। तो देखते हैं आज 1 दिसंबर को कौन कौन सी नेशनल और इंटरनेशनल हेडलाइंस है न्यूज़पेपर में, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और हमारे करंट अफेयर का पार्ट हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इस चैनल से डेली करंट अफेयर्स और जीएस का ऑटोमेटिक अपडेट मिलता रहे। और वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के इससे लाभ ले सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है अल खालिद बालसी। अब देखते हैं ये कौन है और हमारे परीक्षाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इजिप्ट के अल खालिद बालसी को व्यक्तिगत सक्रियता के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया। तो देखिए, आपके लिए यहाँ पे एक वन लाइनर क्वेश्चन तैयार हो गया कि हाल ही में किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं अल खालिद बालसी और ये हैं इजिप्ट के निवासी। अब थोड़ा सा इजिप्ट के फैक्ट की बात करें तो इजिप्ट की राजधानी कायरो है और इजिप्ट की करेंसी पाउंड है और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं अब्देल फतेह अल सीसी हैं, ठीक है। और इजिप्ट से जुड़ी दो और मुख्य बातें हैं जिसको जानने के लिए हम जाएंगे वर्ल्ड मैप में। देखिए, आपका ये वर्ल्ड मैप आ गया और ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, ये रहा आपका अफ्रीका और यहाँ पे आपको इजिप्ट दिख रहा होगा, ठीक है। और ये आपका यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। तो हम चर्चा कर रहे हैं इजिप्ट की, तो इसके लिए थोड़ा सा इजिप्ट के मैप पे जाएंगे। ये देखिए, ये आपका आ गया इजिप्ट। देखिए, इजिप्ट का जो पुराना नाम है उसको कहते हैं मिस्र, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रमुख नदी बहती है नील, ठीक है। और मिस्र को जब कहते हैं नील नदी का वरदान, क्योंकि जो मिस्र की सभ्यता है बहुत पुरानी सभ्यता है और ये नील नदी के किनारे ही डेवलप हुई थी। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि नील नदी किस देश में है, तो ये इजिप्ट में है, यानी कि मिस्र में है। और इसकी राजधानी जो है, एक मिनट मैप को थोड़ा सा जो है हम जूम करेंगे। देखिए, ये है इजिप्ट की राजधानी कायरो, ठीक है। और यहाँ पे जो है, देखिए एक और मुख्य बात आती है, यहाँ से एक प्रमुख नहर निकलती है, ठीक है, जिसके बारे में एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको देखिए, इस साइड में दिख रहा होगा रेड सी, इसको हम कहते हैं लाल सागर, ठीक है। रेड सी को हम कहते हैं लाल सागर। और एक प्रमुख नदी है इस साइड में, इसको कहते हैं मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया गया था, जिसका नाम है स्वेज नहर, ठीक है। और इसका निर्माण 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर के द्वारा किया गया था, जिसका नाम है फर्डिनेंड, ठीक है। तो ये रही मुख्य बातें। अब इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न क्या पूछता है कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। ये जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं और यूपीएससी के एग्ज़ाम में, खास तौर से एनडीए, सीडीएस या फिर आईएएस के एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। तो ये है 165 किलोमीटर। अब थोड़ा सा अपनी जानकारी के लिए इसकी चौड़ाई भी जान लेते हैं। स्वेज नहर की चौड़ाई जो है वो 48 मीटर है और इसकी गहराई जो है 10 मीटर है। और स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यानी कि रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है, ठीक है। अब बात करें इसके पड़ोसी देश, तो इधर आपको सूडान दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको जो है सऊदी अरब दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इराक दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है सीरिया दिख रहा है, ठीक है। और इधर आपका जो है ग्रीस दिख रहा है सबसे ऊपर नॉर्थ साइड में। आप थोड़ा सा देखते हैं मैप में, थोड़ा सा जूम करके, ठीक है। ये देखिए, ये आपका जो है रेड सी है और इस साइड में आपका जो है मेडिटेरियन सी है। और यहाँ पे आपको जो है कि जो इसका साउदर्न पार्ट है, यहाँ पे जो है स्वेज नाम का जो है पोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है पोर्ट सहित। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा है कि अगर आप मेडिटेरियन सी की तरफ से स्वेज नहर में प्रवेश कर रहे हैं तो आप सबसे पहले किस बंदरगाह से होके गुजरेंगे। तो ये है आपका पोर्ट सहित। अगर आप जो है रेड सी की तरफ से, यानी लाल सागर की तरफ से प्रवेश करते हैं, तो आपको जो है स्वेज बंदरगाह से होके गुजरना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप उसको स्वेज नहर को पार करेंगे पोर्ट सहित होते हुए और मेडिटेरियन सी, यानी कि जो मेडिटेरियन सी है इसमें प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है पेटीएम पेमेंट बैंक। देखिए, हाल ही में कई सारे पेमेंट बैंक खुले हैं और उनमें से एक प्रमुख पेमेंट बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक। और बात करें अगर भारत के पहले पेमेंट बैंक की, तो वो था एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। अब देखते हैं इससे संबंधित क्या जानकारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेटीएम पेमेंट बैंक का औपचारिक रूप से लॉन्चिंग किया, ठीक है। तो यानी अभी जो इसका जो है, देखिए ये पेटीएम जो है ये एक ऐप है जिससे आप जो है
मोबाइल, ये एक मोबाइल वॉलेट है, ठीक है, पेटीएम। और इससे जो पहले आप क्या करते थे, कोई भी शॉपिंग वगैरह करना है तो इससे पेमेंट कर देते, कैशलेस पेमेंट के लिए। जो है कैशलेस पेमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है पेटीएम का, अभी हाल ही में नोटबंदी के समय। और हाल ही में पेटीएम ने अपने विस्तार के लिए जो क्या किया है, पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च किया है, ठीक है। और इसकी लॉन्चिंग किसने की है, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। और बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम के फैक्ट एग्जाम में पूछते हैं कि पेटीएम का संस्थापक कौन है, तो ये है विजय शेखर शर्मा, ठीक है। पेटीएम के संस्थापक आपसे एग्जाम में पूछे तो विजय शेखर शर्मा याद रखना है। और इसकी सीईओ यानी कि एमडी, ठीक है, ये दोनों हैं रेणु सती। और इसकी स्थापना जो है 2010 में हुई थी। तो पेटीएम से संबंधित ये सारे फैक्ट याद रखने हैं कि इसके संस्थापक तो आपको जो है बिल्कुल याद ही रखना है। अभी आपसे पूछेगा कि हाल ही में पेटीएम के पेमेंट बैंक का औपचारिक रूप से लॉन्चिंग किया गया, इसके संस्थापक कौन है, तो ये हैं विजय शेखर शर्मा और एमडी हैं रेणु सती। और स्थापना जो है 2010 में हुई थी। तो ये सारे फैक्ट हैं पेटीएम के। अगला पॉइंट है स्वर्ण राजधानी ट्रेन। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली ट्रेन है, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट और फर्स्ट इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, तो ये फर्स्ट ट्रेन है, ठीक है। तो रेल मंत्रालय ने पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन, ठीक है, अब ट्रेन नंबर क्या है, 123-13, यानी कि 1-2-3-1-3, या फिर इसको जो है 12-31-3 भी याद कर, चाहे जैसे आप याद कीजिए, ट्रेन नंबर ये आपका, ये बड़े एग्जाम में पूछा जाएगा, वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में स्वर्ण राजधानी ट्रेन का उद्घाटन किया गया, ये किन दो राज्यों के बीच चलाई जाएगी, तो ये चलाई जाएगी नई दिल्ली से पश्चिम बंगाल के बीच। और नई दिल्ली जो है, नई दिल्ली चलेगी पश्चिम बंगाल के सियालदह के बीच में। तो इतना ही बस आपको याद रखना है कि स्वर्ण राजधानी ट्रेन का अभी जो है हाल ही में लॉन्चिंग किया गया है और ये चलेगी नई दिल्ली से सियालदह। देखिए यही एग्जाम में पूछेगा कि ये किन दो स्थानों के बीच में चलेगी, नई दिल्ली से सियालदह के बीच में चलेगी, ठीक है। अब आते हैं अगले फैक्ट पे, हॉकी वर्ल्ड कप 2018। देखिए अभी इसका आयोजन जो है 2018 में होना है, तो इससे संबंधित फैक्ट जो है हमें अभी से तैयार करने होंगे क्योंकि इसका जो है प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गया है। और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2018 के आधिकारिक लोगो और शुभंकर का अनावरण कर दिया, ठीक है। देखिए लोगो जो होता है, या फिर शुभंकर यानी इसको अंग्रेजी में मैस्कॉट कहते हैं, कोई भी जैसे कि मान लीजिए कोई पशु पक्षी उस क्षेत्र में पाया जाता है, उसको जो है उसका मैस्कॉट जो है बना देते हैं उस ईयर का। तो अभी जो है इसका जो है क्या हुआ है, अनावरण हुआ है। अब बात करें कि 2018 का जो है हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, तो ये होगा आपका कलिंगा स्टेडियम में, ये होगा आपका कलिंगा स्टेडियम में, ठीक है। और ये होगा 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 तक के बीच में होगा, ठीक है। यानी कि 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 के बीच ये जो है हॉकी वर्ल्ड कप 2018 होगा। तो इतना याद रखना है कि देखिए एग्जाम में तो अभी कई एग्जाम में पूछ चुका है कि हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन किस देश में होगा, तो यही मैक्सिमम पूछता है। तो आपको याद रखना है इंडिया में होगा, और इंडिया के जो है उड़ीसा राज्य में होगा, और उड़ीसा के जो है कलिंगा स्टेडियम में होगा, 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 के बीच होगा, ठीक है। और एक बहुत ही मुख्य बात है इससे संबंधित कि इसमें टोटल 16 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। तो हॉकी वर्ल्ड कप 2018 में टोटल 16 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। अब बात करते हैं ओडिशा की, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री आप जान ही गए हैं, नवीन पटनायक हैं। और यहाँ के जो है, यहाँ की राजधानी जो है भुवनेश्वर है, ठीक है, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। और गवर्नर हैं एससी जमीर। अब बात करें इंडिया में ओडिशा कहाँ पे है, तो ओडिशा जो है देखिए ये आपका इंडिया है, विला बावर इंडिया, एंड ये आपका जो है उड़ीसा है, ठीक है। और ये रहा आपका उड़ीसा का मैप। और एक मुख्य बात है कि उड़ीसा जो है चर्चा में है, तो इसलिए जो है इसके थोड़ा सा पड़ोसी राज्यों के बारे में जान लेते हैं। तो ये टोटल जो है देखिए आपको जो है इसके साउदर्न पार्ट में आंध्र प्रदेश दिख रहा है, इसके जो है वेस्टर्न पार्ट में छत्तीसगढ़ यानी कि जो है पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पे आपको झारखंड दिख रहा है ऊपर जो है नॉर्दर्न पार्ट में, फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये रहा इसके पड़ोसी राज्य, और यहाँ की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। और यहाँ पे जो है एक खास बात है कि देखिए इसके एक साइड में बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे कई सारे चक्रवात आते रहते हैं, और अभी कई सारे जो है इवेंट जो है अभी हुए हैं, मैंने आपको पिछले करंट अफेयर्स में बताए हैं। और यहाँ पे एक सूर्य मंदिर भी है, ठीक है, कोणार्क, जो बहुत ही फेमस है, जिसको हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। देखिए एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है।
तो ऐसे मैं आपको कई सारी स्टैटिक फैक्ट भी बताते जाऊंगा, किसी भी राज्य पे चर्चा करूंगा, तो डेली एक से दो तीन प्लेस पे जो है चर्चा करेंगे, ताकि सेशन ज़्यादा लंबा ना हो और आपको जो है नॉलेज मिलता रहे एक्सटर्नल भी, ठीक है। अगला पॉइंट है हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप शिखर सम्मेलन। देखिए इस सम्मेलन में इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि कहाँ आयोजित किया गया और इसकी थीम क्या थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में, देखिए यहाँ नए टाइप हो गया तो अब नई दिल्ली समझिएगा इसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो यानी कि जो इसका आयोजन स्थल है वो नई दिल्ली है, ठीक है, और इसका उद्घाटन किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और इसकी थीम याद रखिए आप लोग, इसकी थीम है द इरिवर्सिबल राइज ऑफ इंडिया। लेकिन इसमें अगर बात करें कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला पॉइंट है सैखो मीराबाई चानू। देखिए ये एक प्रश्न एग्जाम में आपके जो है 100% कन्फर्म है, ये 100% आएगा कि हु इज द सैखोम मीराबाई चानू। ये देखिए भारत की दूसरी ऐसी महिला हैं, ठीक है, अभी जानते हैं इनके बारे में कि दूसरी ऐसी महिला क्यों है, कौन किस क्षेत्र की है। अमेरिका के अनाहिम में आयोजित वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2017 में सैखो मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में रिकॉर्ड 194 किलोग्राम का भार उठाते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। देखिए ये दूसरी ऐसी महिला है जिनको जो है गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है, वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में। और पहली महिला की बात करें तो पहली महिला जो है, इनको तो एग्जाम में इतना ज़्यादा पूछ लिया है, इतना ज़्यादा पूछ लिया है कि समझ लीजिए सबको याद ही हो गया है, जिन्होंने तीन चार एग्जाम दे दिए हैं वन डे एग्जाम, उनको याद ही हो गया है। तो ये कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में। और दूसरी महिला जो है ये सैखो मीराबाई चानू बन गई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारत की जो है दूसरी गोल्ड मेडल जीतने वाली किस प्रतियोगिता में, वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में, कौन सी महिला, तो ये है सैखो मीराबाई चानू। देखिए चानू कितना अच्छा नाम लग रहा है, सैखो मीराबाई, मीराबाई भी आपको याद हो गया होगा, तो आपको याद ही हो गया होगा सैखो मीराबाई चानू याद रखना है। इनको जो है वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल मिला है। और एक मुख्य बात क्या निकल के आती है कि इनको आपको याद रखना पड़ेगा, इनको जो है 48 किलोग्राम भार वर्ग में दिया गया ये गोल्ड मेडल, ठीक है, ये 48 किलो की हैं और इन्होंने 194 किलोग्राम का भार उठाया। देखिए कितनी बड़ी बात है, तो इन्होंने एक जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। अगला पॉइंट है भाषा भारत और इटली, सॉरी ये भाषा कहाँ से आ गया, चलिए ठीक है, भारत और इटली के बारे में बात कर रहे हैं। भारत और इटली ने जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। देखिए कहीं भी MOU लिखा हो तो आप उसका मतलब क्या समझेंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं समझौता पत्र। तो भारत और इटली के बीच में जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। आपसे एग्जाम में वन लाइनर पूछ सकता है वन डे एग्जाम में कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU पे हस्ताक्षर किए हैं, तो यह है इटली। अब इसका उद्देश्य क्या है कि क्यों हमने इटली के साथ जो है MOU पे हस्ताक्षर किया है, तो दोनों देशों के बीच चिकित्सकों, अधिकारियों, अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों और विशेषज्ञों के आदान प्रदान के और प्रशिक्षण की संभावना तलाशने के लिए जो हमने ये MOU पे साइन किया है, हस्ताक्षर किया है। अब बात करते हैं भारत के जो है स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो यह है JP नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा। और इटली की बात करें तो इटली की राजधानी रोम है और यहाँ की मुद्रा जो है इटली की यूरो है। अगला पॉइंट है 11वां मणिपुर अंतर्राष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट। अब देखिए इससे जुड़ी एक मुख्य बात क्या है कि ये जो है 11वां मणिपुर अंतर्राष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट है और इसमें इंडिया बी मणिपुर ने अर्जेंटीना को हराकर ये टूर्नामेंट जीत लिया है, ठीक है। तो आपसे वन लाइनर अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हाल ही में किस टीम ने अर्जेंटीना को हराकर 11वां मणिपुर अंतर्राष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट जीता है, वो इंडिया बी मणिपुर ने जीता है। देखिए इंडिया ए और इंडिया बी दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इंडिया बी जो है इसमें चैंपियन बनी है अर्जेंटीना को हराकर। अब बात करते हैं मणिपुर के चीफ मिनिस्टर की, तो जो है ये है एम बीरेन सिंह और यहाँ की राज्यपाल है नजमा हिपातुल्ला, ठीक है। तो एन वीरेन सिंह और नजमा हिपातुल्ला याद रखना है आपको।
भारतीय मुक्केबाजी संघ, अब देखते हैं इससे जुड़ी कौन सी न्यूज है। भारतीय मुक्केबाजी संघ यानी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय निकाय के रूप में मान्यता दे दी है। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ गई, क्योंकि अभी बहुत ही नौटंकी चल रही थी भारतीय मुक्केबाजी संघ से, इसको बार बार जो है मतलब इसमें बहुत सारे विवाद आ रहे थे। अभी बस आपको इतना याद रखना है, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं एग्ज़ाम में, आपको बस इतना याद रखना है, आपसे एग्ज़ाम में इतना ही पूछा जाएगा कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने जो है किस संघ को राष्ट्रीय निकाय के रूप में मान्यता दी है, तो ये है भारतीय मुक्केबाजी संघ। अब बात करें कि जो BFI यानी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हैं अजय सिंह, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, यानी कि BFI यानी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और ये इसके जो है प्रेसिडेंट हैं अजय सिंह, और हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने इसको राष्ट्रीय निकाय के रूप में मान्यता दी है। अगला पॉइंट है ई कॉमर्स शिखर सम्मेलन। अब यहाँ पे देखिए एक और सम्मेलन की बात आ गई, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि इसको हम कहते हैं फिक्की, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में फिक्की कहते हैं, द्वारा ई कॉमर्स शिखर सम्मेलन चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे एक आयोजन की बात हो रही है और इस आयोजन का नाम है ई कॉमर्स शिखर सम्मेलन, और ये आयोजित किया जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा, यानी कि ठीक है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं फिक्की, यानी कि फिक्की द्वारा ई कॉमर्स शिखर सम्मेलन चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए फिक्की के बारे में बार बार पूछता है, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ी कंपनी है और काफ़ी चर्चा में रहती है। फिक्की की स्थापना जो 1927 में हुई थी, यानी कि आज़ादी के पहले ही हो गई थी, और प्रेसिडेंट इसके पंकज पटेल हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट याद रखने हैं। और सबसे पहला फैक्ट आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये याद रखना है कि ई कॉमर्स शिखर सम्मेलन का जो है आयोजक है फिक्की, और इसका आयोजन जो है चेन्नई में होगा, ठीक है। अगला पॉइंट भारत और सिंगापुर, अब देखते हैं इसके बीच में कौन से समझौते हुए हैं या फिर कौन सी नई न्यूज़ है। भारत और सिंगापुर ने समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए एक और MOU पे हस्ताक्षर हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच में। आपसे एग्ज़ाम में वन लाइनर ही पूछेगा इसके बारे में कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फिर हम कह सकते हैं समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो ये है सिंगापुर। तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म है कि S फॉर सिंगापुर एंड S फॉर समुद्री सुरक्षा, ठीक है। तो भारत ने सिंगापुर के साथ समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब बात करते हैं सिंगापुर की राजधानी क्या है, तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, ठीक है, और यहाँ की करेंसी है डॉलर। तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, करेंसी डॉलर, और भारत ने इसके साथ समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो आज का करंट अफेयर सेशन यहीं समाप्त होता है, और दिसंबर के पहले दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये आखिरी महीना है इस साल का, और फिर न्यू ईयर आएगा, फिर कई सारे इवेंट होंगे, ठीक है। तो ये सारी शुभकामनाएं आपको जो है पहले से मैं दे रहा हूँ, हैप्पी न्यू ईयर, और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। और आपका काम है, देखिए मेरा काम है वीडियो बनाना आपके लिए ताकि आपकी जानकारी बढ़ती रहे, और आपका काम है कि इसको शेयर करके लोगों तक पहुंचाना ताकि मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो जो है हर व्यक्ति के पास पहुँचे, और जिनको भी करेंट अफेयर्स में दिक्कत है, करेंट अफेयर्स पढ़ने में दिक्कत है, वो मेरे वीडियो को देख के अपने जो है इस समस्या का समाधान कर सकें, और सबको जो है डेली GS और करेंट अफेयर का अपडेट मिलता रहे। तो इसी के साथ धन्यवाद, कल मैं फिर आपके लिए करंट अफेयर सेशन लेके आऊँगा। थैंक यू।